हेलो दोस्तों, आज की टेक न्यूज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यह है हमारा टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक हैंस यूट्यूब चैनल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला जल्द ही एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लेकर आने वाला है जिसका नाम होगा मोटोरोला एज X30 प्रो। और इसका एक टीजर सामने आया है जिससे पता चला है कि इसमें हमको मिलने वाला है 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। अभी इसके और स्पेसिफिकेशन सामने आने बाकी हैं, आगे देखते हैं कि इसमें हमको और क्या क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है YouTube Venst को लेकर। YouTube Venst एक थर्ड पार्टी अल्टरनेटिव था ओरिजिनल YouTube का, आप इसको YouTube प्रीमियम का फ्री वर्जन भी कह सकते हैं। इसमें आपको YouTube वीडियोस में आने वाले एड्स वगैरह शो नहीं होते हैं। अब ऐसे में कुछ लीगल रीजंस की वजह से ये शटडाउन होने वाला है, मतलब अब यूजर्स YouTube Venst को यूज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं OnePlus को लेकर। OnePlus की तरफ से बहुत जल्दी OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन आने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ लीक्स निकल कर सामने आए हैं कि ये दो कलर वेरिएंट्स में आ सकता है। पहला है एम्बरल्ड फॉरेस्ट और दूसरा है वॉल्केनिक ब्लैक। अब देखते हैं कि इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज सामने आई है Redmi की तरफ से। Redmi ने अपना बजट स्मार्टफोन Redmi 10C लॉन्च कर दिया है और ये आता है Snapdragon 680 के साथ में। इसका जो 464 वाला वेरिएंट है, इसकी कीमत है लगभग 14,000 रुपए के आसपास। वैसे अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है Instagram बैन को लेकर। यस, रशिया में कई चीजें अभी तक बैन हो चुकी हैं और अब रशिया ने Instagram को भी बैन कर दिया है, मतलब अब रशिया में लोग Instagram यूज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं एप्पल को लेकर। ये तो आपको पता ही होगा कि एप्पल के फोन्स के साथ चार्जर वगैरह नहीं आता है। अब इसी को देखते हुए अदर ब्रांड्स भी यही काम करने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक रिपोर्ट में सामने आया है कि एप्पल को बॉक्स में चार्जर ना देने से $6.5 बिलियन का, यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पैसा ही पैसा हो गया। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है IQ को लेकर। IQ Z सीरीज का Z6 स्मार्टफोन 16 मार्च को लॉन्च करने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशंस भी सामने आ गए हैं और ये एक 5G स्मार्टफोन होगा। और इसकी खास बात ये है कि इसका प्राइस 15,000 से नीचे होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की टेक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और टेक्नोलॉजी से जुड़ी और वीडियोज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।